नमस्कार, सुनो कहानी में आपका स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि बिंती और डॉक्टर शुक्ला सुधा को लेकर वापस आ जाते हैं और एक बार फिर वही खुशी के दिन वापस आ जाते हैं। लेकिन थोड़े ही दिन बाद सुधा को लेने शंकर बाबू आते हैं और सुधा शंकर बाबू के साथ चली जाती है। अब आगे, जब तक आसमान में बादल रहते हैं तब तक झील में बादलों की छाँ रहती है। बादलों के खुल जाने के बाद कोई भी झील उनकी छाँ को सुरक्षित नहीं रख पाती। जब तक सुधा थी, चंद्र की जिंदगी की फिर एक बार उल्लास और ताकत लौट आई थी। सुधा के जाते ही वह फिर सब कुछ खो बैठा। उसके मन में कोई स्थायित्व तो नहीं रहा। लगता था जैसे वह एक जलागार हो जो बहुत गहरा है, लेकिन जिसमें हर चांद, सूरज, सितारे और बादल की छाँ पड़ती है और उनके चले जाने के बाद फिर वह उनका प्रतिबिंब धो डालता है और बदलकर फिर वैसा ही हो जाता है। कोई भी चीज़ पानी को रंग नहीं पाती, उसे छू नहीं पाती। हाँ, लहरों में उनकी छाया का रूप विकृत हो जाता है। चंद्र को चारों ओर की दुनिया सहज गुजरते हुए बादलों का निस्सार तमाशा से लग रही थी। कॉलेज की चहल पहल, ढलती हुई बरसात का पानी, थीसिस और डिग्री, बर्टी का पागलपन और पम्मी के खत, ये सभी उसके सामने आते और सपनों की तरह गुजर जाते। कोई चीज़ उसके हृदय को छू नहीं पाती थी। ऐसा लगता था कि चंद्र एक खोखला व्यक्ति है जिसमें सिर्फ एक सापेक्ष अंतःकरण मात्र है, कोई निरपेक्ष आत्मा नहीं, और हृदय भी जैसे समाप्त हो गया था। एक जलहीन हल्के बादल की तरह वह हवा के हर झोंके पर तैर रहा था, लेकिन टिकता कभी भी नहीं था। उसकी भावनाएं, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण, उसका सब कुछ सो गया था और वह जैसे नींद में चल फिर रहा था, नींद में सब कुछ कर रहा था। सुधा के जाने के 8-9 दिन बाद सुधा का खत आया। मेरे भाग्य, मैं इस बार तुम्हें जिस तरह छोड़ आई हूं उससे मुझे पल भर को चैन नहीं मिलता। अपने को तो बेच चुकी, अपने मन के मोती को कीचड़ में फेंक चुकी। तुम्हारी रोशनी को ही देखकर कुछ संतोष है। मेरे दीपक, तुम बुझना मत, तुम्हें मेरे स्नेह की लाज है। मेरी जिंदगी का नरक फिर मेरे अंगों में बिधना शुरू हो गया है। तुम कहते हो कि जैसे हो निभा करना चाहिए। तुम कहते हो कि अगर मैंने उससे निभा नहीं किया तो यह तुम्हारे प्यार का अपमान होगा। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए निभा करूँगी, लेकिन मैं कैसे संभालूं अपने को। दिल और दिमाग बेबस हो रहे हैं, नफरत से मेरा खून उबला जा रहा है। कभी कभी जब तुम्हारी सूरत सामने होती है तो जैसे अपना सुख दुख भूल जाती हूँ, लेकिन अब तो जिंदगी का तूफान जाने कितना तेज होता जा रहा है कि लगता है कि तुम्हें मुझसे भी खींचकर अलग कर देगा। लेकिन तुम्हें अपने देवत्व की कसम है, तुम मुझे अब अपने हृदय से दूर न करना। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी याद के सहारे मैं यह नरक झेलने में समर्थ हूँ। तुम मुझे कहीं छिपा लो, मैं क्या करूँ। मेरा अंग अंग मुझे पर व्यंग कर रहा है। आँखों की नींद खत्म है, पाँवों में इतना तीखा दर्द है कि कुछ कह नहीं सकती। उठते बैठते चक्कर आने लगा है, कभी कभी बदन कांपने लगता है। आज वे बरेली गए हैं तो लगता है कि मैं आदमी हूँ, तभी तुम्हें खत भी लिख रही हूँ। तुम दुखी मत होना, चाहती थी कि तुम्हें न लिखूं, लेकिन बिना लिखे मन ही नहीं माना। मेरे अपने, तुमने तो यही सोचकर यहाँ भेजा था कि इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन कौन जानता था कि फूल में कीड़े भी होंगे। अच्छा, अब माँ जी नीचे बुला रही हैं, मैं चलती हूँ। देखो, अपने किसी खत में इन सब बातों का जिक्र मत करना और इसे फाड़ कर फेंक देना। तुम्हारी अभागिन सुधा। चंद्र को खत मिला तो एक बार जैसे उसकी मूर्छना टूट गई। उसने खत लिया और बिंती को बुलाया। बिंती हाथ में साग और डलिया लिए आई और पास बैठ गई। चंद्र ने वो खत बिंती को दे दिया। बिंती ने पढ़ा और चंद्र को वापस दे दिया और चुपचाप तरकारी काटने लगी। चंद्र भी चुपचाप उठा और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बिंती चाय लेकर आई और चाय रखकर बोली, आप दीदी को कब खत लिख रहे हैं। मैं नहीं लिखूंगा, चंद्र बोला। क्यों, क्या लिखूं बिंती, कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ झल्ला कर चंद्र ने कहा। बिंती चुपचाप बैठ गई।
थोड़ी देर बाद चंदर बड़े मुलायम स्वर में बोला, बिनती, एक दिन तुमने कहा था कि मैं देवता हूँ, तुम्हें मुझ पर गर्व है, क्या आज भी तुम्हें मुझ पर गर्व है? पहले से ज़्यादा, बिनती बोली। अच्छा, ताज्जुब है, चंदर बोला, अगर तुम जानती कि आजकल कभी कभी मैं क्या सोचता हूँ तो तुम्हें ताज्जुब होता। तुम जानती तो सुधा के इस खत से मुझे ज़रा भी दुख नहीं हुआ, सिर्फ झल्लाहट ही हुई है। मैं सोच रहा था कि क्यों सुधा इतना स्वांग भरती है दुख और अंतर्द्वंद का। किस लड़की को यह सब पसंद नहीं? किस लड़की के प्यार में शरीर का अंश नहीं होता? लाख प्रतिभाशालिनी लड़कियां हो, लेकिन अगर वह किसी को प्यार करेंगी तो उसे अपनी प्रतिभा नहीं देंगी, अपना शरीर ही देंगी। और यदि वह स्वीकार कर लिया जाए तो शायद प्रतिहिंसा से तड़प भी उठेंगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि काम वासना ही प्यार है, प्यार का मुख्य अंश है, बाकी सभी कुछ उसकी तैयारी है। उसके लिए एक समुचित वातावरण और विश्वास का निर्माण करना है। जाने क्यों मुझे इस सब बात से बहुत नफरत होती जाती है। अभी तक मैं काम वासना और प्यार को दो चीज़ें समझता था, प्यार पर विश्वास करता था और काम वासना से नफरत। अब मुझे दोनों एक ही चीज़ें लगती हैं, और जाने कैसी अरुचि सी हो गई है इस जिंदगी से। तुम्हारी क्या राय है विनती? मेरी? अरे हम बेपढ़े लिखे आदमी, हम क्या आपसे बात करेंगे। लेकिन एक बात है, ज़्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। क्यों? चंदर ने पूछा। पढ़ने लिखने से ही आप और दीदी जाने क्या क्या सोचते हैं। हमने देहात में देखा है कि वहाँ सभी लड़कियाँ समझती हैं कि उन्हें क्या करना है, इसलिए कभी इन सब बातों पर अपना मन नहीं बिगाड़ती। बल्कि मैंने तो देखा है कि सभी शादी के बाद मोटी होकर आती हैं, और दीदी अब छोटी सी नहीं कि ऐसी उनकी तबीयत खराब हो जाए। यह सब मन में घुटने का नतीजा है। जब यह होना ही है तो क्यों दीदी दुखी होती हैं? उन्हें तो और मोटी होना चाहिए। बिनती बोली। इस समस्या का इतना सरल समाधान सुनकर चंदर को हंसी आ गई। अब तुम ससुराल जा रही हो, मोटी होकर आना। तत, आप तो मजाक करने लगे। लेकिन बिनती, तुम इस मामले में बड़ी विद्वान मालूम देती हो, अभी तक ये विद्वता कहाँ छिपा रखी थी? नहीं, आप मजाक न बनाएं तो मैं सच बताऊं कि देहाती लड़कियां शहर की लड़कियों से ज़्यादा होशियार होती हैं इन सब मामलों में। सच? चंदर ने पूछा। वो गांव की ज़िंदगी को बेहद निरीह समझता था। हाँ, और क्या, वहाँ इतना दुराव, इतना गोपन नहीं है, सभी कुछ उनके जीवन का उन्मुक्त है, और ब्याह के पहले ही वहाँ लड़कियाँ सब कुछ। अरे नहीं, चंदर ने बेहद ताज्जुब से कहा। लो, यकीन नहीं होता आपको? मुझे कैसे मालूम हुआ इतना? मैं आपसे कुछ नहीं छिपाती, वहाँ तो सब लोग इसे इतना स्वाभाविक समझते हैं जितना खाना पीना, हंसना बोलना। बस लड़कियाँ इस बात में सचेत रहती हैं कि किसी मुसीबत में न फंसे। चंदर चुपचाप बैठा चाय पीता रहा। आज तक वह जिंदगी को कितना पवित्र मानता रहा था, लेकिन जिंदगी तो कुछ और ही है। जिंदगी अब भी वह है जो सृष्टि के आरंभ में थी, और दुनिया कितनी चालाक है, कितनी भुलावा देती है। अंदर से मन में जहर छिपाकर भी होठों पर कैसे अमृतमयी मुस्कान झलकाती रहती है। ये बिनती जो इतनी शांत, संयत और भोली लगती थी, इसमें भी सभी गुण भरे हैं। कल्पना और भाव के आधार पर अपना आदर्श लेकर चलने वाले कितने मूर्ख रहते हैं इस दुनिया में। चंदर ने जिंदगी को परखने में कितना बड़ा धोखा खाया है। जिंदगी तो यह है, मांसलता और प्यास और उसके साथ साथ अपने को छिपाने की कला। वो बैठा बैठा सोचता रहा और सहसा उसने पूछा, बिनती, तुम भी देहात में रही हो और सुधा भी, तुम लोगों की जिंदगी में भी यह सब आया है कभी? बिनती क्षण भर चुप रही, फिर बोली, क्यों, क्या नफरत करोगे सुनकर? नहीं बिनती, जितनी नफरत और अरुचि दिल में आ गई है उससे ज़्यादा आ सकती है भला। बताना चाहो तो बता दो, अब मैं जिंदगी को समझना चाहता हूँ, वास्तविकता के स्तर पर। चंदर ने गंभीरता से पूछा। मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया, ना आप छिपाऊंगी। पता नहीं क्यों दीदी से भी ज़्यादा आप पर विश्वास जमता जा रहा है। सुधा दीदी की ज़िंदगी में तो यह सब नहीं आ पाया। वह बड़ी विचित्र सी थी, सबसे अलग रहती थी और पढ़ती और कमल के पोखरे में फूल तोड़ती थी बस। मेरी ज़िंदगी में? चंदर ने चाय का प्याला खिसका दिया। जाने किस भाव से उसने बिनती के चेहरे की ओर देखा, वो शांत थी,
निर्विकार थी और बिना किसी हिचक के कहती जा रही थी, मगर चंदर चुप था। बिंती ने अपने पांव से चंदर के पांव की उंगलियां दबाते हुए पूछा, क्या सोच रहे हैं आप? सुन भी रहे हैं आप? जाने दो, मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो? चंदर ने पूछा। जाने क्यों, यहाँ आकर मैंने दीदी के साथ आपका व्यवहार देखा, फिर पम्मी वाली घटना हुई, मेरे तन मन में एक विचित्र सी श्रद्धा आपके लिए छा गई। जाने कैसी अरुचि मेरे मन में दुनिया के लिए थी, आपको देखकर मैं फिर स्वस्थ हो गई। ताज्जुब है, तुम्हारे मन की अरुचि दूर हो गई दुनिया के प्रति और मेरे मन की अरुचि बढ़ गई। कैसे अंतर विरोध होते हैं मन की प्रतिक्रियाओं में। एक बात पूछो बिनती, तुम मेरे इतने समीप रही हो, सैकड़ों बार ऐसा हुआ होगा जो मेरे विषय में तुम्हारे मन में शंका पैदा कर देता। तुम सैकड़ों बार मेरे सिर को अपने वक्ष पर रखकर मुझे सांत्वना दे चुकी हो। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम जानती हो मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। फिर ये सब क्या है, क्यों है? पता नहीं क्यों है, मुझे इसमें कभी कोई पाप नहीं दिखा, और कभी दिखा भी तो मन ने कहा कि आप इतने पवित्र हैं, आपका चरित्र इतना ऊंचा है कि मेरे पाप भी आपको छूकर पवित्र हो जाएगा। लेकिन बिनती, बस, बिनती ने चंदर को टोक कर कहा, इससे अधिक आप कुछ मत पूछिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चंदर चुप हो गया। चंदर जितना सुलझने का प्रयास कर रहा था, चीजें उतनी ही उलझती जा रही थी। सुधा ने जिंदगी का एक पक्ष चंदर के सामने रखा था, बिनती उसे दूसरी दुनिया में खींच लाई। कौन सच है, कौन झूठ, वह किसका तिरस्कार करे, किसको स्वीकार करे? अगर सुधा गलती पर है तो चंदर का जिम्मा है। चंदर ने सुधा की हत्या की है, लेकिन कितनी भिन्न है दोनों बहनें। बिनती कितनी व्यवहारिक, कितनी यथार्थ संयत, और सुधा कितनी आदर्श, कितनी कल्पनामयी, कितनी सूक्ष्म, कितनी ऊंची, कितनी सुकुमार और कितनी पवित्र। जीवन की समस्याओं के अंतर विरोधों में जब आदमी दोनों पक्षों को समझ लेता है, तब उसके मन में एक ठहराव आ जाता है। वह भावना से ऊपर उठकर स्वच्छ बौद्धिक धरातल पर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगता है। चंदर अब भावना से हटकर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगा था। वह भावना से डरता था। भावना के तूफान में इतनी ठोकरें खाकर अब उसने बुद्धि की शरण ली थी, और एक पलायनवादी की तरह भावना से भागकर बुद्धि की एकांगिता में छिप गया था। कभी भावुकता से नफरत करता था, मगर अब वह भावना से ही नफरत करने लगा था। इस नफरत का भोग सुधा और बिनती दोनों को ही भुगतना पड़ा। सुधा को उसने एक दिन भी खत नहीं लिखा और बिनती से एक दिन भी ठीक से बातें नहीं की। जब भावना और सौंदर्य के उपासक को बुद्धि और वास्तविकता की ठेस लगती है, तब वह सहसा कटुता और व्यंग से उबल उठता है। इस वक्त चंदर का मन भी कुछ ऐसा ही हो गया था। जाने कितने जहरीले कांटे उसकी वाणी में उगाए थे, जिन्हें वह कभी भी किसी को चुभाने से बाज नहीं आता था। एक निर्मम निरपेक्षता से वह अपने जीवन की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति को कटुता के जहर से अभिषिक्त करता चलता था। सुधा को वह कुछ लिख नहीं सकता था, पम्मी वहां थी नहीं। ले देकर बची अकेली बिनती, जिसे इन जहरीले बाणों का शिकार होना पड़ रहा था। सितंबर बीत रहा था और अब वह गांव जाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर साहब ने दिसंबर तक की छुट्टी ली थी और वह भी गांव जाने वाले थे। शादी के महीने भर पहले से उनका जाना जरूरी था। चंदर खुश नहीं था, नाराज नहीं था। एक स्वर्ग भ्रष्ट देवदूत जिसे पिशाचों ने खरीद लिया हो, उन्हीं की तरह वह जिंदगी के सुख दुख को ठोकर मारता हुआ किनारे खड़ा सभी पर हंस रहा था। खास तौर से नारी पर उसके मन का सारा जहर बिखरने लगा था, और उसमें उसे यह भी अक्सर ध्यान नहीं रहता था कि वह किससे क्या बात कर रहा है। बिनती सब कुछ चुपचाप सहती जा रही थी। बिनती को सुधा की तरह रोना नहीं आता था, न उसकी चंदर इतनी परवाह ही करता था जितनी सुधा की। दोनों में बातें भी बहुत कम होती थी, लेकिन बिनती मन ही मन दुखी थी। वो क्या करे। एक दिन उसने चंदर के पैर पकड़कर बहुत अनुनय से कहा, आपको ये क्या होता जा रहा है? अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हम दीदी को लिख देंगे। चंदर बड़ी भयावनी हंसी हंसा, दीदी को क्या लिखोगी, मुझे अब उसकी परवाह नहीं। वो दिन गए बिनती, बहुत बन लिए हम।
हाँ चंदर बाबू, आप लड़की होते तो समझते। सब समझता हूँ मैं, कैसा दोहरा नाटक खेलती हैं लड़कियाँ, इधर अपराध करना उधर मुखबरी करना। बिनती चुप हो गई। एक दिन जब चंदर कॉलेज से आया तो उसके सिर में दर्द हो रहा था, वह आकर चुपचाप लेट गया। बिनती ने आकर पूछा तो बोला, क्यों क्यों मैं बतलाऊं कि क्या है, तुम मिटा दोगी क्या? बिनती ने चंदर के सिर पर हाथ रखकर कहा, चंदर तुम्हें क्या होता जा रहा है, देखो कैसी हड्डियां निकल आई हैं इधर, इस तरह अपने को मिटाने से क्या फायदा? मिटाने से? चंदर उठकर बैठ गया। मैं मिटाऊंगा अपने को लड़कियों के लिए? छी, तुम लोग अपने को क्या समझती हो, क्या है तुम लोगों में सिवाय एक नशीली मांसलता के, इसके लिए मैं क्या अपने को मिटाऊंगा? बिनती ने चंदर को फिर लिटा दिया। इस तरह अपने को धोखा देने से क्या फायदा चंदर बाबू, मैं जानती हूं दीदी के न होने से आपकी जिंदगी में कितना बड़ा अभाव है, लेकिन दीदी के न होने पर क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब आप खूब समझते हैं, मैं जानती हूँ दीदी होती तो आप इस तरह अपने को मिटाते नहीं, मैं जानती हूँ दीदी के लिए आपके मन में क्या था। बिनती ने सिर में तेल डालते हुए कहा, दीदी के लिए क्या था? चंदर बड़ी विचित्र हंसी हंसा। दीदी के लिए मेरे मन में एक आदर्शवादी भावुकता थी जो हद कचरे मन की उपज थी, एक ऐसी भावना थी जिसके औचित्य पर ही मुझे विश्वास नहीं, वह एक सनक थी। सनक? बिनती थोड़ी देर चुपचाप सिर में तेल ढोंकती रही, फिर बोली, अपनी सांसों से बनाई देव मूर्ति पर इस तरह लात तो न मारिए, आपको शोभा नहीं देता। बिनती की आंखों में आंसू आ गए, कितनी अभागी हैं दीदी। चंदर एक टक बिनती की ओर देखता रहा और फिर बोला, मैं अब पागल हो जाऊंगा बिनती, मैं आपको पागल नहीं होने दूंगी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? चंदर फिर हंसा। जाइए आप, अब आप श्रीमती बिनती होने वाली हैं, आपका ब्याह होगा, मैं अब पागल हो रहा हूँ, इससे क्या हुआ? इन सब बातों से दुनिया नहीं रुकती, शहनाइयाँ नहीं बंद होती, बंदवार नहीं तोड़े जाते। मैं नहीं जाऊँगी चंदर, अभी तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हारी इतनी ताड़ना और व्यंग सहकर भी तुम्हारे पास रही, अब दुनिया भर की लांछना और व्यंग सहकर तुम्हारे पास रह सकती हूँ। बिनती ने तीखे स्वर में कहा, क्यों तुम्हारे रहने से क्या होगा, तुम सुधा नहीं हो, तुम सुधा नहीं हो सकती, जो सुधा है मेरी जिंदगी में वह कोई नहीं हो सकता, समझी? और मुझ पर एहसान मत जताओ, मैं मर जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, किसी का साझा, क्यों तुम मुझ पर इतना अधिकार समझने लगी, अपनी सेवा के बल पर, मैं इसकी रत्ती भर परवाह नहीं करता, जाओ यहां से। और उसने बिनती को ढकेल दिया और तेल की शीशी उठाकर बाहर फेंक दी। बिनती रोती हुई चली गई। चंदर उठा और कपड़े पहनकर बाहर चल दिया। ये लड़कियां समझती हैं एहसान कर रही हैं मुझ पर। बिनती के जाने की तैयारी हो गई थी और लिया दिया जाने वाला सारा सामान पैक हो रहा था। डॉक्टर साहब भी महीने भर की छुट्टी लेकर साथ जा रहे थे। उस दिन की घटना के बाद फिर बिनती चंदर से बिल्कुल नहीं बोली थी और चंदर भी कभी नहीं बोला। ये लोग कार पर जाने वाले थे, सारा सामान पीछे आगे लादा जाने वाला था। डॉक्टर साहब कार लेकर बाजार गए थे। चंदर उनका होल्ड ऑल संभाल रहा था, तभी बिनती आई और बोली, मैं आपसे बातें कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम उस दिन की बात का बुरा मान गई, अमूमन लड़कियाँ सच्ची बात का बुरा मान जाती हैं, बोलो क्या बात है? चंदर ने इस तरह कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिनती की आंखों में आंसू थे। चंदर आज मैं जा रही हूँ। हाँ ये तो मालूम है, उसी का तो इंतज़ाम कर रहा हूँ। पता नहीं मैंने क्या अपराध किया चंदर कि तुम्हारा स्नेह खो बैठी। ऐसा ही था चंदर, तो आते ही आते इतना स्नेह तुमने दिया ही क्यों था? मैं तुमसे कभी भी दीदी का स्थान नहीं मांग रही थी, तुमने मुझे गलत क्यों समझा? नहीं बिनती, मैं अब स्नेह इत्यादि पसंद नहीं करता हूँ, पूर्ण परिपक्व मनुष्य हूँ और यह सब भावनाएँ अब अच्छी नहीं लगती मुझे, स्नेह वगैरह की दुनिया अब मुझे बड़ी उथली लगती है। तभी चंदर इतने दिन मैंने रोते रोते बिताए, तुमने एक बार पूछा भी नहीं, जिंदगी में सिवा दीदी और तुम्हारे मेरा कौन था? तुमने मेरे आंसुओं की भी परवाह नहीं की, तुम्हें कसूर नहीं देती, कसूर मेरा ही होगा चंदर। नहीं कसूर की बात नहीं बिनती, औरतों के रोने की कहाँ तक परवाह की जाए, कुत्ते बिल्ली तक के लिए उतने ही दुख से रोती हैं। खैर चंदर, ईश्वर करे तुम जीवन भर इतने मजबूत रहो, मैंने अगर कभी भी तुम्हारे लिए कुछ किया, वैसे
किया भी क्या, लेकिन अगर कुछ भी किया तो सिर्फ इसलिए कि मेरे मन की जाने कितनी ममता तुमने जीत ली, या मैं हमेशा इस बात के लिए पागल रहती थी कि तुम्हें ज़रा सा भी ठेस न पहुँचे। मैं क्या कर डालूँ तुम्हारे लिए, तुमने तुम्हारे व्यक्तित्व ने मुझे जादू में बांध लिया था। तुम मुझसे कुछ भी करने के लिए कहते तो मैं हिचक नहीं सकती थी, लेकिन खैर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी, तुम पर भार हो उठती थी। मैंने अपने को खींच लिया, अब कभी तुम्हारे जीवन में आने का साहस नहीं करूँगी। ये भी कैसे कहूँ कि तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे तूफ़ानी व्यक्तित्व के सामने मैं बहुत तुच्छ हूँ, तिनके से भी तुच्छ, लेकिन आज जा रही हूँ, अब कभी यहाँ आने का साहस न करूँगी। लेकिन क्या चलते वक्त आशीर्वाद भी न दोगे, कुछ आगे का रास्ता न बताओगे? बिंती ने झुककर चंदर के पैर पकड़ लिए और सिसक सिसक कर रोने लगी। चंदर ने बिंती को उठाया और पास की कुर्सी पर बिठा दिया और सिर पर हाथ रखकर बोला, आशीर्वाद तो देवताओं से मांगा जाता है, मैं तो अब प्रेत हो चुका हूं बिंती। चंदर अब एकांत चाहता था और वह चंदर को मिल भी गया था। पूरा घर खाली, एक महाराजिन, माली और नौकर, और सारे घर में सिर्फ सन्नाटा, और सन्नाटे का प्रेत चंदर। चंदर चाहे जितना टूट जाए, चाहे जितना बिखर जाए, लेकिन चंदर हारने वाला नहीं था। वो हार भी जाए लेकिन हार स्वीकारना उसे नहीं आता था। उसके मन में अब सन्नाटा था। अपने मन में पूजा गृह में स्थापित सुधा की पावन प्रांजल देव मूर्ति को उसने कठोरता से उठाकर बाहर फेंक दिया था। मंदिर की मूर्तिमयी पवित्रता बिंती को अपमानित कर दिया था और मंदिर के पूजा उपकरणों को, अपने जीवन के आदर्शों और मानदंडों को उसने चूर चूर कर डाला था। और बुद्ध शिकन विजेता की तरह क्रूरता से हंसते हुए मंदिर के भग्नावशेषों पर कदम रखकर चल रहा था। उसका मन टूटा हुआ खंडहर था जिसके उजाड़ बेछत के कमरों में चमगादड़ बसेरा करते हैं और जिसके ध्वंसावशेषों पर गिरगिट पहरा देते हैं। काश कि कोई उन खंडहरों की ईंटें उलटकर देखता तो हर पत्थर के नीचे पूजा मंत्र सिसकते हुए मिलते, हर धूल की परत में घंटियों की बेहोश ध्वनियां मिलती, हर कदम पर मुरझाए हुए पूजा के फूल मिलते और हर शाम सवेरे भग्न देव मूर्ति का करुण रोदन दीवारों पर सिर पटकता हुआ मिलता। लेकिन चंदर ऐसा वैसा दुश्मन नहीं था। उसने मंदिर को चूर चूर कर उस पर अपने गर्व का पहरा लगा दिया था कि कभी भी कोई उस पर खंडहर के अवशेष कुरेद कर पुराने विश्वास, पुरानी अनुभूतियाँ, पुरानी पूजाएं फिर से न जगा दे। बुद्ध शिकन तो मंदिर तोड़ने के बाद सारा शहर जला देते हैं ताकि शहर वाले फिर उस मंदिर को न बना पाए। ऐसा था चंदर। अपने मन को सुनसान कर लेने के बाद उसने अपनी जिंदगी, अपना रहन सहन, अपना मकान और अपना वातावरण भी सुनसान कर लिया था। अगहन आ गया था लेकिन उसके चारों ओर जेठ की दोपहरी से भी भयानक सन्नाटा था। बिंती जब से गई उसने कोई खत नहीं भेजा था। सुधा के भी पत्र बंद हो चुके थे। पम्मी के दो खत आए। पम्मी आजकल दिल्ली घूम रही थी लेकिन चंदर ने पम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। अकेला, अकेला, बिल्कुल अकेला। सहारा मरुस्थल की नीरस भयावनी शांति, और वो भी जब तक कि कांपता हुआ लाल सूरज बालू के क्षितिज पर अपनी आखिरी सांसें तोड़ रहा हो और बालू के टीलों की अधमरी छायाएं लहरदार बालू पर धीरे धीरे रेंग रही हो। बिंती के ब्याह को 15 दिन रह गए थे कि सुधा का एक पत्र आया। मेरे देवता, मेरे नयन, मेरे पंथ, मेरे प्रकाश, आज कितने दिनों बाद तुम्हें खत लिखने का मौका मिल रहा है। सोचा था बिंती के ब्याह के महीने भर पहले गांव आ जाऊंगी तो एक दिन के लिए तुम्हें आकर देख जाऊंगी, लेकिन इरादे इरादे हैं और जिंदगी जिंदगी। अब सुधा अपने जेठ और सास के लड़के की गुलाम है, ब्याह के दूसरे दिन ही चला जाना होगा। तुम्हें यहाँ बुला लेती लेकिन यहाँ बंधन और पर्दा तो ससुराल से भी बदतर है। मैंने बिंती से तुम्हारे बारे में बहुत पूछा मगर वह कुछ नहीं बताई। पापा से इतना मालूम हुआ कि तुम्हारी थीसिस छपने गई है, कॉन्वोकेशन नज़दीक है। तुम्हें याद है वायदा था कि तुम्हारा गाउन पहनकर मैं फ़ोटो खिंचवाऊंगी। मैं दिन याद करती हूँ तो जाने कैसा होने लगता है।
एक कॉन्वेक्शन की फोटो खिंचवाकर जरूर भेजना। क्या तुमने बिनती का कुछ मन दुखा दिया था? बिनती हरदम तुम्हारी बात पर आंसू भर लाती है। मैंने तुम्हारे भरोसे बिनती को वहां छोड़ा था। मैं उससे दूर, माँ का सुख उसे मिला नहीं, पिता मर गए। क्या तुम उसे इतना भी प्यार नहीं दे सकते? मैंने तुम्हें बार बार सहेज दिया था। मेरी तंदुरुस्ती अब कुछ ठीक ठीक है, लेकिन जाने कैसी है। कभी कभी सिर में दर्द होने लगता है, जी मचलने लगता है। आजकल वह बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वह मुझको समझ नहीं पाए। सारे सुख और आज़ादी के बीच मैं कितनी असंतुष्ट हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ। लगता है हजारों तूफान हमेशा नसों में घराया करते हैं। चंदर, एक बात कहूँ अगर बुरा ना मानो तो, आज शादी के 6 महीने बाद भी मैं यही कहूँगी चंदर कि तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी, उसकी रेशे में वो तत्व है जो कि सिर्फ तुम्हारी पूजा के लिए थे। तुमने मुझे दूर फेंक दिया, लेकिन इस दूरी के अंधेरे में भी जन्म जन्मांतर तक भटकती हुई सिर्फ तुम्ही को ढूंढूंगी, इतना याद रखना। और इस बार अगर तुम मिल गए तो जिंदगी की कोई ताकत, कोई आदर्श, कोई सिद्धांत, कोई प्रवंचना मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। लेकिन मालूम नहीं पुनर्जन्म सच है या झूठ। अगर झूठ है तो सोचो चंदर कि इस अनादिकाल के प्रवाह में सिर्फ एक बार मैंने अपनी आत्मा का सत्य ढूंढ पाया था और अब अनंत काल के लिए उसे खो दिया। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो बताओ मेरे देवता क्या होगा? करोड़ों सृष्टियां होंगी, प्रलय होंगे और मैं अतृप्त चिंगारी की तरह असीम आकाश में तड़पती हुई अंधेरे की हर परत से टकराती रहूंगी, न जाने कब तक के लिए। ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ती जा रही है, त्यों-त्यों पूजा की प्यास बढ़ती जा रही है। काश मैं सितारों के फूल और सूरज की आरती से तुम्हारी पूजा कर पाती, लेकिन जानते हो मुझे क्या करना पड़ रहा है? मेरे छोटे भतीजे नीलू ने पहाड़ी चूहे पाले हैं। उनके पिंजरे के अंदर एक पहिया लगा है और ऊपर घंटियां लगी हैं। अगर कोई अभागा चूहा उस चक्र में उलझ जाता है तो ज्यों ज्यों छूटने के लिए वह पैर चलाता है, त्यों त्यों चक्र घूमने लगता है, घंटियां बजने लगती हैं। नीलू बहुत खुश होता है, लेकिन चूहा थक कर बेदम होकर नीचे गिर पड़ता है। कुछ ऐसे ही चक्र में फंस गई हूँ चंदर। संतोष सिर्फ इतना है कि घंटियां बजती हैं तो शायद तुम उन्हें पूजा के मंदिर की घंटियां समझते होंगे। लेकिन खैर, सिर्फ इतनी प्रार्थना है चंदर कि अब थककर जल्दी ही गिर जाऊं। मेरे भाग्य, खत का जवाब जल्दी ही देना। पम्मी अभी आई या नहीं? तुम्हारी जन्म जन्म की प्यासी सुधा। चंदर ने खत पढ़ा और फौरन लिखा, प्रिय सुधा, तुम्हारा पत्र बहुत दिनों के बाद मिला। तुम्हारी भाषा वहां जाकर बहुत निखर गई है। मैं तो समझता हूं कि अगर खत कहीं छुपा दिया जाए तो लोग इसे किसी रोमांटिक उपन्यास का अंश समझे, क्योंकि उपन्यासों के ही पात्र ऐसा खत लिखते हैं, वास्तविक जीवन के नहीं। खैर, मैं अच्छा हूं। हर एक आदमी जिंदगी से समझौता कर लेता है, किंतु मैंने जिंदगी से समर्पण कराकर उसके हथियार रख लिए हैं। अब किले के बाहर से आने वाली आवाज़ें अच्छी नहीं लगती, न खतों के पाने की उत्सुकता, न जवाब लिखने का आग्रह। अगर मुझे अकेला छोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा। मैं विनती करता हूँ, मुझे खत मत लिखना। आज विनती करता हूँ क्योंकि आज्ञा देने का साहस भी नहीं, अधिकार भी नहीं और व्यक्तित्व भी नहीं। खत तुम्हारा भेज रहा हूँ। कभी जिंदगी में कोई ज़रूरत आ पड़े तो ज़रूर याद करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अपने में संतुष्ट, चंद्र कुमार कपूर। उसके बाद फिर वही सुनसान जिंदगी का ढर्रा। खंडहर के सन्नाटे में भूल कर आई हुई बांसुरी की आवाज़ की तरह सुधा का पत्र, सुधा का ध्यान आया और चला गया। खंडहर का सन्नाटा, सन्नाटे के उल्लू, गिरगिट और पत्थर कांपे और फिर मुस्तैदी से अपनी जगह पर जम गए। और उसके बाद फिर वही उदास सन्नाटा, टूटता हुआ सा अकेलापन और मूर्छित दोपहरी के फूल सा चंदर। नवंबर का एक खुशनुमा विहान, सोने के कांपते तारे सुबह की ठंडी हवाओं में उलझे हुए थे। आकाश एक छोटे बच्चे की नीलम नयनों की तरह भोला और स्वच्छ लग रहा था। क्यारियां शरद के फूलों से भर गई थी और एक नई ताजगी मौसम और मन में पुलक उठी थी। चंदर अपना पुराना कत्थई स्वेटर और पीले रंग के पश्मीने का लंबा कोट पहने लॉन पर टहल रहा था।
दो छोटे छोटे पिल्ले धूप पर किलोल कर रहे थे। सहसा एक कार आकर रुकी और पम्मी उसमें से कूद पड़ी और क्वारी हिरणी की तरह दौड़कर चंदर के पास पहुंच गई। हेलो माय बॉय, मैं आ गई। चंदर कुछ नहीं बोला। आओ ड्राइंग रूम में बैठो, उसने उसी मुर्दा सी आवाज में कहा। उसे पम्मी के आने की कोई प्रसन्नता नहीं थी। पम्मी उसके उदास चेहरे को देखती रही, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्यों कपूर, कुछ बीमार हो क्या? नहीं तो, आजकल मुझे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, अकेला घर भी है, उसने उसी फीकी आवाज में कहा। क्यों, मिस सुधा कहाँ है और डॉक्टर शुक्ला? वे लोग मिस बिनती की शादी में गए हैं। अच्छा, उसकी शादी भी हो गई? डैम इट, जैसे ये लोग पागल हो गए हैं। बर्टी, सुधा, बिनती, खैर क्यों मिलते जुलते क्यों नहीं तुम? यूं ही मन नहीं होता आजकल। समझ गई, जो मुझे 3-4 साल पहले हुआ था, कुछ निराशा हुई है तुम्हें, पम्मी बोली। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कहना मत अपनी जबान से, स्वीकार कर लेने से पुरुष का गर्व टूट जाता है, यही तो तुम्हारे चरित्र में मुझे प्यारा लगता है। खैर ये ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। मसूरी में इतने दिन क्या करती रही? चंदर ने पूछा। योग साधन, पम्मी ने हंस कर कहा। जानते हो, आजकल मसूरी में बर्फ पड़ रही है, मैंने कभी बर्फ के पहाड़ नहीं देखे थे। अंग्रेजी उपन्यासों में बर्फ पड़ने का जिक्र सुना बहुत था, सोचा देखती आऊं। क्यों कपूर, तुम खत क्यों नहीं लिखते थे? मन ही नहीं होता था। अच्छा, बर्टी की शादी कब होगी? चंदर ने बात टालने के लिए कहा। वो भी गई, मैं आ भी नहीं पाई कि सुनते हैं जैनी एक दिन बर्टी को पकड़कर खींच ले गई और पादरी से बोली, अभी शादी करा दो। उसने शादी करा दी। लौटकर जैनी ने बर्टी का शिकारी सूट फाड़ डाला और अच्छा सा सूट पहना दिया। बड़े विचित्र हैं दोनों। एक दिन सर्दी के वक्त बर्टी स्वेटर उतार कर जैनी के कमरे में गया तो मारे गुस्से के जैनी ने सिवा पतलून के सारे कपड़े उतार कर बर्टी को कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तो जब से आई हूँ रोज नाटक देखती हूँ। हाँ देखो, ये तो मैं भूल ही गई थी। और उसने अपनी जेब से पीतल की एक छोटी सी मूर्ति निकालकर मेज पर रखी। एक भोटिया औरत इसे बेच रही थी, मैंने इसे मांगा तो वह बोली, यह सिर्फ मर्दों के लिए है। मैंने पूछा क्यों, तो बोली, इसे अगर मर्द पहन ले तो उस पर किसी औरत का जादू नहीं चलता, वह औरत या तो मर जाती है या भाग जाती है या उसका ब्याह किसी दूसरे से हो जाता है। तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेती चलूं। चंदर ने देखा वह अवलोकितेश्वर की महायानी मूर्ति थी। उसने हंसकर उसे ले लिया, फिर बोला, और क्या लाई अपने लिए? अपने लिए एक नया रहस्य लाई हूँ। क्या? इधर देखो मेरी ओर, मैं सुंदर लगती हूँ? चंदर ने देखा पम्मी 18 साल की लड़की से लगने लगी है। चेहरे के कोने भी जैसे गोल हो गए थे और मुंह पर बहुत ही भोलापन आ गया था। आंखों में क्वारापन आ गया था। चेहरे पर सोना और केसर, चंपा, हर श्रृंगार घुल मिल गए थे। सचमुच पम्मी, लगता है जैसे कौमार्य लौट आया है तुम पर। परियों के कुंज से अपना बचपन फिर चुरा लाई क्या? नहीं कपूर, यही तो रहस्य लाई हूँ, हमेशा सुंदर बने रहने का, और परियों के कुंजों से नहीं, गुनाहों के कुंजों से। मैंने हिमालय की छांव में एक नया संगीत सुना कपूर, मांछलता का संगीत। मसूरी के समाज में घुल मिल गई और मादक अनुभूतियां बटोरती रही बिना किसी पश्चाताप के, और मैंने देखा कि दिनों दिन निखरती जा रही हूँ। कपूर, काम वासना इतना बुरा नहीं जितना मैं समझती थी, तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मैं देख रहा हूँ काम वासना लोगों को उतना बुरा नहीं लगता जितना मैं समझता था। नहीं चंदर, सिर्फ इतना ही नहीं। अच्छा मान लो, जैसे तुम आजकल उदास हो और तुम्हारा सिर इस तरह मैं अपनी गोद में रख लूँ तो कुछ संतोष नहीं होगा तुम्हें? और पम्मी ने चंदर का सिर सचमुच अपने श्वासांदोलित वक्ष से चिपका लिया। चंदर झल्ला कर अलग हट गया। कैसी अजब लड़की है। थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर बोला, क्यों पम्मी, तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हीं से पूछता हूँ, क्या लड़कियों के प्रेम में काम वासना अनिवार्य है? हाँ, पम्मी ने स्पष्ट स्वरों में जोर देकर कहा। लेकिन पम्मी, मैं तुमसे नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक लड़की है जिसको मैंने प्यार किया है, लेकिन शायद वह मुझसे शादी नहीं कर पाएगी, मेरे उसके कोई शारीरिक संबंध भी नहीं है, क्या तुम इसे प्यार नहीं कहोगी? कुछ दिन बाद जब उसकी शादी हो जाए तब पूछना, तुम्हारा सारा प्रेम मर जाएगा। पहले मैं भी तुमसे कहती थी कि पुरुष और नारी के संबंधों में एक अंतर जरूरी है,
अब लगता है यह सब एक भुलावा है। अपने को पम्मी बोली, लेकिन दूसरी बात तो सुनो, उसी की एक सखी है, वो जानती है कि मैं उसकी सखी को प्यार करता हूँ, उसे नहीं कर सकता। कहीं काम की तृप्ति का सवाल नहीं, फिर भी वह मुझे प्यार करती है, इसे तुम क्या कहोगी? चंदर ने पूछा। यह और दूसरे ढंग की परिस्थिति है। देखो कपूर, तुमने हिप्नोटिज्म के बारे में नहीं पढ़ा? ऐसा होता है कि अगर कोई हिप्नोटिज्म एक लड़की को हिप्नोटाइज कर रहा है और बगल में एक दूसरी लड़की बैठी है जो चुपचाप या देख रही है, तो वातावरण के प्रभाव से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वह भी हिप्नोटाइज हो जाती है, लेकिन वह एक क्षणिक मानसिक मूर्छा होती है जो टूट जाती है, पम्मी ने कहा। चंदर को लगा जैसे बहुत कुछ सुलझ गया है। एक क्षण में उसके मन का बहुत सा भार उतर गया। पम्मी, मुझे तुम ही एक लड़की मिली जो साफ बातें करती हो और एक शुद्ध तर्क और बुद्धि के धरातल से। बस मैं आजकल बुद्धि का उपासक हूँ, भगवान से तो मुझे चिढ़ है। बुद्धि और शरीर, बस यही दो आदमी के मूल तत्व हैं। हृदय तो दोनों के अंतर संघर्ष की उलझन का नाम है, पम्मी ने कहा और सहसा घड़ी देखते हुए बोली, 9 बज रहे हैं, चलो 9:30 से मैटनी है, आओ देखाएं। मुझे कॉलेज जाना है, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। आज इतवार है प्रोफेसर कपूर, पम्मी चंदर को उठाकर बोली। मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगी मेरे मीठे सपने, तुमने भी मुझे इस उदासी के इंद्रजाल से छुड़ाया था, याद है ना? और चंदर के माथे पर अपने गर्म मुलायम होठ रख दिए। माथे पर पम्मी के होठों की गुलाबी आग चंदर की नसों को गुदगुदा गई। वह क्षण भर के लिए अपने को भूल गया। पम्मी के रेशमी फ्राक के गुदगुदाते हुए स्पर्श उसके वक्ष की अलभ्य गरमाई और उसके स्पर्श के जादू में खो गया। उसके अंग अंग में सुबह की शबनम ढलकने लगी। पम्मी उसके बालों को उंगलियों से सुलझाती रही, फिर कपूर के गाल थपथपा कर बोली, चलो कपूर चलो। कपूर जाकर बैठ गया। तुम ही ड्राइव करो, पम्मी बोली। चंदर ड्राइव करने लगा और पम्मी कभी उसके कॉलर, कभी उसके बाल और कभी उसके होठों से खेलती रही। 7 चांद की रानी ने आखिर अपनी निगाहों के जादू के सन्नाटे से सन्नाटे के प्रेत को जीत लिया। स्पर्शों के सुकुमार रेशमी तारों ने नगर की आग को शबनम से सींच दिया। ऊबड़ खाबड़ खंडहर को अंगों के गुलाब की पंखुरियों से ढक दिया और पीड़ा के अंधियारों को सीपियां पलकों से झरने वाली दूधिया चांदनी से धो दिया। एक संगीत की लय थी जिसमें स्वर्ग भ्रष्ट देवता खो गया। संगीत की लय थी या उद्गाम यौवन का उभरा हुआ ज्वार था जो चंदर को एक मासूम फूल की तरह बहा ले गया। जहाँ पूजा दीप बुझ गया था, वहाँ तरुणाई की सांस की इंद्रधनुषी शाम झिलमिला उठी थी। जहाँ फूल मुरझाकर धूल में मिल गए थे, वहाँ पुखराजी स्पर्शों के सुकुमार हरसिंगार झर पड़े। आकाश के चांद के लिए जिंदगी के आंगन में मचलता हुआ कन्हैया थाली के प्रतिबिंब में ही भूल गया। चंदर की शामें पम्मी के अदमय रूप की छाव में मुस्कुरा उठी। ठीक 4 बजे पम्मी आती, कार पर चंदर को ले जाती और चंदर 8 बजे लौटता। प्यार के बिना कितने महीने कट गए, पम्मी के बिना एक शाम नहीं बीत पाती। लेकिन अब भी चंदर ने अपने को इतना दूर रखा था कि कभी पम्मी के होठों के गुलाबों ने चंदर के होठों के मुंह से बातें भी नहीं की थी। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल सुनो कहानी के साथ और कमेंट कीजिए उन किताबों के नाम जो आप सुनना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले भाग में।